सो हेलो एवरीवन, उज्जवल दिस साइड एंड टुडे आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं किसी सीरीज़ की जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी डे टू डे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में और काफ़ी कुछ सीखने में कि कैसे किसी मार्केट को या फिर किसी भी स्टॉक को हम एनालाइज करते हैं, किसी चार्ट को एनालाइज करते हैं। आज मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट को कि आखिर बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो मंडे को कैसे खुल सकता है। जानता हूँ आज सैटरडे है और लेकिन हम आज अभी देखने जा रहे हैं कल का चार्ट, फ्राइडे का चार्ट। जो ये वीडियो जो है आपको मंडे को हेल्प कर सकती है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, आपको इस वीडियो में गौर करना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या पॉइंट्स दे रहा हूँ। तो आप अगर आपको कुछ लगे लिखने वाला तो आप लिख सकते हैं, आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेने वाला लगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू आर फ्री। सो हमारे सामने जो चार्ट है वो चार्ट है बैंक निफ्टी का। सबसे पहले हम इस चार्ट का ओवरव्यू लेंगे कि आखिर ये चार्ट जो है आज का मार्केट कैसा रहा। तो अगर दिखा सकूं मैं आपको तो आज का मार्केट जो है सबसे पहले ऊपर की तरफ खुला, ये जो है इतना बड़ा गैप अप हुआ यहाँ पे और ये गैप अप जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 400 पॉइंट का गैप अप है। अगर मैं यहाँ से लूँ और यहाँ से का जो पॉइंट है अगर वो लूँ तो मैं जो गैप अप है वो 400 पॉइंट का गैप अप हुआ है यहाँ पे। एंड उसके बाद गैप अप होने के बाद यहाँ पे मार्केट जो है वो गैप अप हुआ एंड इट द मार्केट वेंट अप फॉर सम टाइम। एंड ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो चार्ट है वो 1 मिनट का चार्ट है। तो आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा है, मैं 1 मिनट का चार्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी कर रहा हूँ, आप इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, डोंट वरी। ये जो है ये 1 मिनट में ऊपर तक गया, ये करीब 10 मिनट का ट्रेड होगा। 10 मिनट में वैसे भी आपको पता है मैंने बहुत बार कहा है मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, तो वन साइड ट्रेंड जो है कई बार आ जाता है एंड हो सकता है साइडवेज भी हो जाए, लेकिन ट्रेंड ज़्यादातर होता है फर्स्ट 10 मिनट्स या 20 मिनट्स में। आफ्टर दैट यहाँ पे उसको कुछ मिला, यहाँ पे कुछ ऐसा मिला जो जिससे वो नीचे चला गया एंड हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ पर उसको ऐसा क्या दिखा या क्या मिला। उसके बाद फिर उसको मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिला एंड इट टुक सपोर्ट फ्रॉम हेयर एंड वेंट अप, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू हुआ। साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू होने के बाद अगेन मार्केट वेंट डाउन एंड इसके बाद मार्केट का लो यहाँ बना। उसके बाद फिर मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, इट ट्राई टू गो अप एंड आफ्टर दैट इट अगेन वेंट डाउन एंड यू कैन से हेयर ऑल्सो दैट मार्केट शोड अ साइडवेज मूवमेंट। आफ्टर दैट मार्केट अगेन ब्रोक दिस लेवल एंड वेंट डाउन एंड अगेन क्रिएटेड अ दिस लो। आफ्टर दैट मार्केट ग्रेजुअली वेंट अप एंड आफ्टर दैट द मार्केट बूम डाउन, इट वेंट जस्ट बूम एंड द पॉइंट विच मार्केट मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर मार्केट ने करी, मैं आपको बता पाऊँ 300 पॉइंट का मूवमेंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में दिखाया था। सो अब यहाँ पर जब मार्केट आया 300 पॉइंट के मूवमेंट के बाद यहाँ पर थोड़ा सा थम्स आ गया। उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रेंड लेना शुरू किया एंड दिस ट्रेंड डजंट लास्टेड लॉन्ग एंड उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ ऊपर नीचे करने लगा। एंड इफ आई कैन टेल यू ये जो रेंज है इसमें ऊपर नीचे मार्केट ने किया है, मतलब ये भी एक टाइप से साइडवेज है लेकिन थोड़ा बहुत इसमें नहीं हो सकता है। तो साइडवेज मार्केट जो है वो हम उसमें तभी अर्न कर सकते हैं जब हम सेलिंग शॉर्ट सेलिंग करना सीख जाएं। एंड अगर आपको सीखना है तो यू कैन स्टे ट्यून टू माय चैनल, मैं बहुत जल्दी उस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूं जो कि क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है ना जो बहुत से लोगों को हेल्प कर सकता है ज़्यादा पैसे कमाने में साइडवेज मार्केट में। सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके। अब नाउ हम की मोमेंट्स पे फोकस करते हैं कि आखिर यहाँ से गया नीचे गया तो क्यों गया, आखिर यहाँ से ऊपर गया तो क्यों गया, लेट्स नो दैट। सो मैंने अपनी ड्राइंग क्लियर कर ली है इस पर, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से मार्केट ओपन होके ऊपर की तरफ गया, ओके इट इज़ क्लियर। एंड यहाँ से जब मार्केट ने नीचे की तरफ छलांग लगाई तो इसके पीछे की एक बहुत ज़्यादा गहरी वजह है। सबसे पहला रीज़न मैं आपको अगर बता पाऊँ तो ये वो ये रहेगा कि ये जो हमारा पॉइंट है ना वो कोई आम पॉइंट नहीं है, इट इज़ अ राउंड फिगर 4600 और इससे भी बड़ा एक राउंड फिगर है 4500। ऐसा इसलिए इतना बड़ा राउंड फिगर इसलिए है बिकॉज वो 40,000 और 41,000 दोनों के मिड पॉइंट में आता है एंड 4600 इसलिए बिकॉज इट एंड्स विद 2 जीरोस, सो ये एक राउंड फिगर बन जाता है। तो इसने 4500 के लेवल को तोड़ा, बहुत से ट्रेडर्स ने हो सकता है वहाँ पे ट्रेड लिया हो और लेकिन उनको धोखा मिल गया 4600 पे। वैसे बहुत से ट्रेडर्स यही स्ट्रेटेजी लगाते हैं कि हाँ राउंड फिगर के आसपास थोड़ा हम सतर्क रहेंगे कि अगर वहाँ से घूमने लगा या फिर एनीथिंग हैपेंस देयर वी विल एग्जिट, उनके पास ये स्ट्रेटेजी तैयार रहती है। तो यही होता है राउंड फिगर्स का खेल। आपको अगर मार्केट में टिकना है तो आपको राउंड फिगर्स को पहचानना होगा, आपको ये पहचानना होगा कि ये जो मूवमेंट कर रहा है वो वाकई में क्या धक्का दे सकता है नीचे की तरफ, यू शुड एंड यू मस्ट लर्न दिस। उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आया एंड इट अगेन टुक सपोर्ट फ्रॉम हेयर एंड अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है वो है 40,300, दैट इज अ राउंड फिगर अगेन। राउंड फिगर मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया, इट बिकेम साइडवेज एंड उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ने ये लेवल जो है ना दिस लेवल व्हेन इट ब्रोक दिस लेवल वो नीचे की तरफ चला गया।
क्यों मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप पहले देखिए एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इसने डबल बॉटम बनाया है। अब डबल बॉटम क्या होता है? डबल बॉटम और कुछ नहीं होता, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा। अब जब भी कोई चार्ट दो पॉइंट्स पर टच करके वहीं से ऐसे घूम जाएगा, इट इज नोन एज डबल बॉटम। और यहाँ पर इसने वही डबल बॉटम क्रिएट किया है, यही वो यहाँ पर भी हुआ। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ के करीब तक गया, दिस मूवमेंट इज ऑफ अराउंड 100 पॉइंट्स अगेन। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर नीचे यहाँ पर मार्केट ने किया, दिस मूवमेंट इज ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मूवमेंट है वो मैं कहूँगा कि करीब 150 पॉइंट का है। 150 पॉइंट का मूवमेंट कम नहीं होता है, अच्छा खासा मूवमेंट है, क्योंकि कई बार तो ये एक दिन का मूवमेंट होता है बस। तो आप देख सकते हैं ऑल ओवर अगर मैं मार्केट को आज का मार्केट कैसा रहा ये बताऊं, तो वो भी हम जानेंगे अभी एक डेली कैंडल से। डेली कैंडल आपको सब कुछ बता देगा। यहाँ के पॉइंट की बात करें, बिकॉज यहाँ से जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है, इस मार्केट इस पॉइंट की बात करें तो ये विद इन 20 मिनट्स का जो है हमारा चार्ट दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये 20 मिनट्स के अंदर के कैंडल्स हैं। 20 मिनट्स में मार्केट ने करीब 300 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें दिखाई है। नाउ 300 पॉइंट्स की मूवमेंट कोई कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है अर्निंग के लिए। इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगले कुछ वीडियोज़ में मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शंस में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके हेल्प के लिए, कि कोई ऑप्शन लेंगे जो कि 100 से लेकर 200 या कहीं तो 300 तक के रेंज में होगा, वो कितना ज़्यादा बढ़ा इस टाइम इस टाइप के सिनेरियोज में, कितना ज़्यादा बढ़ा, उससे लोगों को और समझने में हेल्प होगी। जो सोच रहे हैं कि हम ऑप्शन में ट्रेड लेंगे या ऑप्शन करेंगे, उनको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हुआ और फिर यहाँ पर जाके क्लोज हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि मार्केट का जो ओवरऑल हमें दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, तो टोटल डाउन। बट हम एक बार कन्फर्मिटी के लिए एक बार देखेंगे हम इसको डेली कैंडल में। डेली कैंडल में देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इस चार्ट को एग्जिट करना है एंड इस चार्ट को टाइम फ्रेम को यहाँ से चेंज कर देना है। वन डे का जो हमारा चार्ट है वो चार्ट रेड में है, दैट मींस कि मार्केट नीचे ही क्लोज हुआ है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो यहाँ पर भी हमें जो मार्केट है वो नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में आज का दिन दिखाऊं, देन दिस इज लाइक दिस, जो है मार्केट नीचे की तरफ है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउनफॉल में ही है टोटल। अगर किसी ने लंबे टाइम फ्रेम पे किया होता तो उसको ऐसा ही दिखता। बाय द वे, अगर आपने आज लंबे टाइम फ्रेम पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होता तो आप अगर टेक्निकली देख रहे हैं मार्केट को तो आपका ट्रेड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि RSI एक भी बार 40 के नीचे नहीं गया है, वहीं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे गया है, तो आपको ये देखना चाहिए। अब बात करते हैं कल के मार्केट की, कल का मार्केट कैसा रहेगा, आई मीन मंडे का, कल मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो यहाँ पर हम जाते हैं NSE की वेबसाइट पर, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं अपना ऑप्शन चेन, ऑप्शन डेटा। अब ऑप्शन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओपन इंटरेस्ट और कुछ नहीं होता, बस जो लॉट्स हैं, टोटल लॉट्स कितने ट्रेड हुए हैं। आप पर लॉट को एक इंसान मान लीजिए तो आप देख सकते हैं कि एक लेवल पे कितने लोग खड़े हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो हम लोग इसमें सपोर्ट और असिस्टेंस देखते हैं। सबसे पहले सपोर्ट की बात करेंगे। अब अगर सपोर्ट को देखने से पहले हम स्पॉट की बात करें तो स्पॉट जो है वो है हमारा 40,100। क्यों? क्योंकि हमारा जो मार्केट क्लोज हुआ है वो है 41,45 पे क्लोज हुआ है फ्यूचर्स, एंड इसकी वजह से हमारा जो स्पॉट बन जाता है वो बन जाता है 40,100। तो उसके हिसाब से अब अगर हम देखें तो हमारा जो पहला सपोर्ट हमें, मुझे एक मैसिव सपोर्ट दिख रहा है, वो सपोर्ट दिख रहा है मुझे 39,500 पे। अगेन यहाँ पर आपको वही मैं राउंड फिगर वाली चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा कि राउंड फिगर है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा खासा हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, फर्स्ट सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट, जो मैसिव सपोर्ट मैं आपको दिखा पाऊँगा, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और फिर आप यहाँ पर देखिए कि ये कौन सा लेवल है, 39,000, सबसे बड़ा राउंड फिगर 39,000, 40,000 या फिर 41,000, ऐसे ये सब जो राउंड फिगर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो ये दो हमारे सपोर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुट राइटर वाली साइड है, तो पुट राइटर्स तभी बनते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट इससे नीचे तो नहीं जाएगा, इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे दो सपोर्ट हमें मिल चुके हैं। नाउ ये जो है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं हमारा पहला सपोर्ट, जो हमें पहले मदद करेगा, इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर, और उसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर। उसके बाद हम अगर रेसिस्टेंस की साइड आएँ तो रेसिस्टेंस की साइड हमें सबसे पहला रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 40,000 पे। 40,000 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा राउंड फिगर है, और यहाँ पर हमें 1,50,000 तक का हमें OI देखने को मिल रहा है कॉल राइटर्स की साइड, यानी कि बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस। 40,000 को तोड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसमें आपको ये जान लेना चाहिए कि ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो स्पॉट के प्राइस के हिसाब से है, मतलब जो आप जो चार्ट हमने अभी देखा वो फ्यूचर्स का चार्ट था और ये स्पॉट का डेटा है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि 40,000 से तो ऊपर जा चुका है तो ये उसमें स्पॉट नीचे होगा, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। दूसरा तगड़ा रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ, जो कि है
240-200 एंड अगला ही हमारा रेसिस्टेंस बन जाता है 40-300। तो लगातार ये तीन हमें रेसिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी तगड़े रेसिस्टेंस हैं, तो आप इनको अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस मान के चल सकते हैं अगले मार्केट में, मंडे के मार्केट में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यू कैन सब्सक्राइब टू अस, ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहते हैं। अब मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।